तुम इस टाइम क्यों आ गए? वो तूने कहा था कि सुबह आ जाना तो पास के बारे में बताऊंगा। मैंने सुबह आने को कहा था, फजर के वक्त आने को नहीं कहा था। फजर का वक्त थोड़ी, अब तो 7 बज रहे हैं। पूरी रात ना शो रिकॉर्ड कर रहा था, लेट आया हूँ घर और तुम आ गए। ओहो, फिर तो गलत टाइम जगा दिया। खैर वो तुम्हारा काम नहीं हो सकता। क्या मतलब? यार मैंने काफी कोशिश की, पर जन्नत अली खान के सालगिरह वाले शो के पासेस तो 6 महीने पहले से बुक हो गए थे। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसको के हाल नहीं खान लेता है। यार मुझे पता होता तो तुझे बताता ना, पूरा पाकिस्तान तड़प रहा है शो में आने के लिए। यार तू फिक्र मत कर, तेरे पैसे है ना मेरे पास, मैं किसी और शो में बुलवा लेता हूँ तुझे, है ना? भाई यार मैं सोने जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। लम्बा आपी, आपके पास 100 रुपए होंगे? फिर से 100 रुपए? आप क्या है तुम्हारे स्कूल में? कुछ नहीं, बस जरूरत थी, एक पेंट लिया था मैंने। ये तो मुझे ये समझ नहीं आती, बैठे बिठाए तुम्हें तस्वीरें बनाने की क्या सोचती है? अच्छा नहीं दे बेटा, आप ही से ले लेती हूँ, उनके पास होंगे ट्यूशन के पैसे। आपके पास तो बस नसीहत ही होती है। जबान कितनी चलने लगी है तुम्हारी। बल बल जावा जदो साढ़े बल आवे, ऐसा हुन तुपे बैके तेनु देती छावे, कीती तेरे नाम असा अपनी जानवे, दुनिया जमाने नल यारी नलावी, जड़ा चमकीला दिसे सिक्का ओही खोटा है। सौ रुपए किस लिए? वो मैंने ना एक लड़की से उधार लिया था पेंट्स खरीदने के लिए, तो मुझे उसको वापस करने। कितनी बार तुम्हें बोला है कि उधार मत लिया करो, मुझे कहती मैं दे देती। उस वक्त है नहीं ना आपके पास, और आपको तो पता है घर में कोई और पैसे देता नहीं है मुझे पेंट्स वगैरह के लिए। जब तुम आर्टिस्ट बन जाओगी ना फिर देखना, सब बदल जाएंगे। तब मैं भी बदल जाऊंगी, देखेगा आप। अम्मी के पास मेरे ट्यूशन के पैसे, वहां से ले लो। ठीक है अम्मा। वो बेटो आप ही कह रही थी कि मुझे ट्यूशन के पैसों से 100 रुपए दे दे। तस्वीरों के लिए चाहिए होंगे ना? अच्छे भले पैसे मैं जोड़ लेती अगर तू तस्वीरों पे ना डबोती। कितनी बार तबस्सुम को कहा है कि तुझे पैसे ना दिया कर, ये ले और जाती हुई दरवाजा बंद कर देना। जी अच्छा। तबस्सुम, तबस्सुम। जी अम्मी। जरा जाके अब्बा के टिफिन का तो देख क्या हो रहा है।